Hello everyone and welcome to our channel. So in today's video, I'll be making honey chili potato. Lockdown का time है और WhatsApp और Instagram की stories भरी हुई हैं अतरंगी अतरंगी dishes के साथ. So हम सिर्फ देखें क्यों हम बनाएंगे और फिर खाएंगे भी, क्योंकि chef बनने की प्रतियोगिता में तो हम भी शामिल हैं. So हम लोग बना रहे हैं honey chili potato. तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग potatoes peel करेंगे and then हम लोग cut करेंगे fries की shape में. फ्राइज़ की प्रॉपर शेप आए इसीलिए मैं नाइसर डाइसर का यूज़ कर रही हूँ. ये कटर प्रॉपर फ्राइज़ की शेप देता है, बाकी ये टाइम भी सेव होता है इसके साथ. अगर हम नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में हम लोग बना रहे हैं तो बाकी अभी तो टाइम सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत है अपने पास अभी. कट करने के बाद पोटैटोस को एक बार अच्छे से वॉश कर लो एंड देन हम लोग इसको बॉयल करेंगे मीडियम फ्लेम पे. बॉयल हो गए हैं पोटैटो फ्राइज. अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ सो दैट ये ठंडा हो जाए. और नेक्स्ट हमें राइस फ्लावर चाहिए होगा हमारी डिश बनाने के लिए, तो वो अभी घर पे अवेलेबल नहीं है. तो मैं चावल ले रही हूँ, चावल को मिक्सी में पीस लूँगी और हमें चावल का आटा मिल जाएगा. नेक्स्ट स्टेप है, हम लोगों ने एक ड्राई कोट देना है पोटैटो फ्राइज को और विद 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर, 1 टेबल स्पून मैदा एंड सॉल्ट. अब हम लोग एक मिक्सचर बनाएंगे विद 1 कप मैदा, 1 कप राइस फ्लावर एंड सॉल्ट. ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लो. पुट वाटर एंड हम लोग एक मिक्सचर बनाएंगे जिसकी कंसिस्टेंसी जस्ट ड्रॉपिंग होनी चाहिए. पोटैटो फ्राइज को ड्राई कोट देना है 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, 1 टेबलस्पून मैदा एंड सॉल्ट का, तो आपको वो कुछ इस तरह से दिखेंगे. अब इन कोटेड फ्राइज को हम लोग मिक्सचर में डिप करेंगे एंड देन हम लोग इसको हाफ फ्राई करेंगे. कम्प्लीटली फ्राई नहीं करना है, हम लोग सिर्फ हाफ फ्राई करेंगे इसको. हाफ फ्राई हो गए हैं पोटैटोस, तो हम लोग इसको एक टिश्यू के ऊपर निकाल रहे हैं सो दैट एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए. सारे पोटैटोस एक बार ही हाफ फ्राई हो गए हैं, हम लोग इनको एक बार ही दोबारा फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता. पोटैटोस को डबल फ्राई करने से एक क्रंचीनेस आ जाएगा फ्राइज में. सो नाउ आई विल बी मेकिंग सॉस फॉर हनी चिली पोटैटो, जिसके लिए हमें चाहिए ग्रीन चिलीज, गार्लिक, कैप्सिकम एंड अनियन. सबसे पहले हम लोग ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक को सॉटे करेंगे. गाइज, हनी चिली पोटैटो की सॉस का एक इंग्रेडिएंट तिल भी होता है, तिल के बीज. आप इनको ऐड कर सकते हो लहसुन के साथ. अच्छे से सॉटे करिए. मेरे पास अभी घर पे अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया. इसके बाद हम ऐड करेंगे अनियन एंड कैप्सिकम और अच्छे से सॉटे करेंगे. इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ उतना पकाना है कि इनकी रॉनेस चली जाए. इसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर एंड सॉल्ट. सॉल्ट मैंने 2 टेबलस्पून डाला है एंड शुगर 1 टेबलस्पून, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो. अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस एंड 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस. बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो.
इसके बाद वाटर ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने देंगे। मैं थोड़ी सी चिली सॉस और ऐड कर रही हूँ, थोड़ी कम लग रही थी मेरे को। सॉस की थिकनेस के लिए हम लोग एक कॉर्नफ्लोर एंड वाटर का मिक्सचर बनाएंगे एंड देन हम लोग ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून ऑफ दैट मिक्सचर। जब हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर एंड वाटर का मिक्सचर तो धीरे धीरे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी थिक होनी शुरू हो जाएगी। अब ये सॉस बन चुकी है, इसमें हम हनी ऐड करेंगे। इसमें मैं ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो फ्राइज एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटोज़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब बारी है प्लेटिंग की। सो मैं एक बोल में सर्व करूँगी और इसको गार्निश करूँगी चिली फ्लेक्स के साथ। एंड या सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू डू गिव इट अ बिग थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड डू हिट नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड।